सोनीपत पुलिस ने बुधवार को पूर्व सांसद राजकुमार सैनी को धमकाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ 22 अक्टूबर को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मोहाना थाने में शिकायत दी थी कि इसने कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद और हाल में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गोहाना हल्के के उम्मीदवार राजकुमार सैनी को फोन पर अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी से धमकी दिए जाने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। राजकुमार सैनी की माने तो वे मोहाना के बिट्स में स्थापित मतगणना केंद्र पर गए थे, तभी उनके मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली। राजकुमार सैनी का आरोप है कि कॉल करने वाले का लहजा इतना क्रूर था कि वह हथियार लेकर खड़ा है, उन्हें गोलियों से भून ही देगा। उनके अनुसार फोन करने वाले ने बदतमीजी के साथ बात की, उसने ऐसी गालियां दी जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के दिलों में क्रूरता भरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस को जितनी भी शिकायत की गई उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पहले भी रास्ता रोका, कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। लोसुपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी का आरोप है कि 4 दिन पहले भी उनका रास्ता रोका गया था। उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। कासंडी गाँव के उनके एजेंट को बुरी तरह से पीटा गया। वह अब खानपुर कलां के महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल है। घर पर लड़ियां लगाने वाले उनके एक कार्यकर्ता को बाइक पर आए लड़के पीटकर चले गए। खेड़ी दमकन गांव में 2 लड़कों के हाथ तोड़ दिए और उन्हें धमकी दी कि राजकुमार सैनी का अपने गांव में प्रोग्राम नहीं करवाना। प्रत्याशी पर लगाया मतदान को प्रभावित करने का आरोप। लोसुपा सुप्रीमो ने गोहाना हल्का के एक प्रत्याशी पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह प्रत्याशी मतदान के दिन बूथों के अंदर बैठकर वोटिंग को प्रभावित करता रहा। उनके अनुसार जब बी एलओ ने आरओ को शिकायत की तो उसे ही अंदर करने की धमकी दी गई। बी एलओ के पास आरओ के धमकी देने की फोन रिकॉर्डिंग भी है। मोहाना थाने में हुआ था केस दर्ज। इसके बाद सैनी को धमकी दिए जाने के मामले में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विनोद कुमार ने 22 अक्टूबर को थाना मोहाना में शिकायत दी कि ओमकार पुत्र रोहताश निवासी गगसीना जिला करनाल ने कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी हाल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गोहाना हल्का के उम्मीदवार को मोबाइल फोन पर अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी है। उधर खुद सैनी ने इसकी शिकायत डीजीपी और एसपी सोनीपत को दी थी। सोनीपत पुलिस के प्रवक्ता जगजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने विनोद कुमार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में थाना मोहाना में मामला दर्ज किया था। इसकी जांच एसआई अजीत सिंह को सौंपी गई थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एसआई अजीत सिंह ने धमकी देने के आरोपी ओमकार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।